Hello everyone, this is Ritika Sharma, the student of Sri Vaishnav Institute of Forensic Science. Here I am presenting the topic, Protocols to be taken at Cybercrime Investigation. So, sabse pehle cybercrime hota kya hai? Any criminal activity that involves computer system, network device or network, it's called as a cybercrime. So, here's the procedure. पॉलिसी प्रोसीजर डेवलपमेंट में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी क्राइम कमिट हुआ है उसमें जो उसका डिजिटल एविडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो सबसे पहले उसको प्रॉपरली हम हैंडल करते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। जो भी हमें डिजिटल एविडेंस वहाँ से मिलता है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर रहते हैं उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो भी पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस होता है उसको रिकवर करने के लिए सबसे पहले हम हमारा कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं। जो भी कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है वो अपना कंप्यूटर सिस्टम देखता है कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, यानी जो भी हमारे पोटेंशियल एविडेंसेज है, डिजिटल एविडेंस है, उनको रिकवर कर पाएगा या नहीं, उनको रिट्राइव कर पाएगा या नहीं। सेकेंड, एविडेंस असेसमेंट। सबसे पहले असेसमेंट होता क्या है? सो व्हाट इज़ एन असेसमेंट मीन्स? असेसमेंट मीन्स द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग, और यू कैन से यू कैन ऑल्सो यूज़ द टर्म जजमेंट अबाउट इट। सो अ की कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स द असेसमेंट ऑफ एन पोटेंशियल एविडेंस इन साइबर क्राइम। अगर कोई भी एजेंसी है, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर इंसान पे ये प्रूव कर रही है कि इसने ये क्राइम किया है, सो ऑन दैट टाइम जो कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स रहेंगे वो सोफिस्टिकेटेड मैथड्स को यूज़ करते हैं टू सिफ्ट थ्रू द हार्ड ड्राइव्स, ईमेल अकाउंट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड डिजिटल फाइल्स टू एंड डिजिटल आर्चिव फाइल्स टू रिट्राइव इट टू असेस एनी इन्फॉर्मेशन विच सर्व्स द वाइबल एविडेंसेस। सो प्रायर टू कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर मस्ट रेफर्स must define the type of evidence sought to have a clear understanding of how to preserve a pertinent data. The last one is the investigator must then determine the source and integrity of such data before entering it to an evidence. Now third one is evidence acquisition. So in evidence acquisition, extensive documentation is needed prior to during and after the acquisition process, in which detailed information must be recorded and preserved, which includes all softwares, hardware specifications, software specification systems used and the system which is used in an investigative process. Fourth one is evidence examination. In evidence examination, effectively investigated potential evidence procedure must be in a place for retrieving it, copying and storing evidence within an appropriate database. It means जो भी हमें potential evidence मिलेंगे हम उनको retrieve करके उनको copy करेंगे, और जो भी हम उनको evidence को store करेंगे तो उनको एक particular एक database के form पर हम उनको store करेंगे। So the investigator जितनी भी आर्ची फाइल्स है, जो हिडन फाइल्स है उनको अनहिडन करेंगे, उनको रिट्राइव करके उनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर एंड विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स थ्रू विच वी कैन एनालाइज इट वेरी डीपली। और कोई भी रिसेंटली डिलीटेड फाइल हो उसको भी हम रिट्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सोफिस्टिकेटेड मैथड्स। And analyzing file names is also useful as it can help to determine when and where specific data was created and downloaded or uploaded, and can help a investigator to connect files on storage devices to online data transfers, jaise cloud storage, cloud-based storage, emails and etc. Last one is documenting and reporting. So fully documenting information related to hardware, software, computer forensic investigator must keep an accurate record of all activities related to investigation. मतलब starting से जितनी भी activities investigation के time पर use हुई है, जो भी hardware use हुए हैं, जो भी software as an evidence भी use हुए हैं, और जो भी अनहिडन जो हिडन फाइल्स थी जिनको हमने अनहिडन किया है
उनपे भी हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनको भी प्रॉपरली रिपोर्ट, उनको भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखना, जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उनके बारे में डिटेल्स, विच इंक्लूड्स ऑल द मेथड यूज फॉर टेस्टिंग सिस्टम्स, फंक्शनैलिटी, रिट्राइविंग, कॉपिंग, स्टोरिंग डाटा एक्सेट्रा. सो द इन्वेस्टिगेटर ऑल्सो इंश्योर्स प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैव बीन एडेड बाई ऑल पार्टीज. जितने भी साइबर क्राइम के टाइम पर जितने भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रखना, दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग. थैंक यू.